हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम बात करने वाले एक और प्रोफेशनल कोर्स के बारे में, एमसीए मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। इसमें आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में, सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे और जानेंगे। सो मैं हूँ गायत्री चौधरी। इस वीडियो में एमसीए कोर्स के बारे में जानेंगे। अगर आप एमसीए कोर्स करने वाले हैं या करना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। वो किसी भी प्रोग्राम से हो, BSc से हो, BBA से हो, BCA से हो, या इवन BA प्रोग्राम वाले भी स्टूडेंट MCA को कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ BA स्टूडेंट वालों के लिए, तो BA स्टूडेंट वालों के लिए सभी कॉलेज एडमिशन नहीं देते, कुछ कॉलेज देते हैं। बस वो भी उन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि आपने या तो 12th स्टैंडर्ड में PCM दिया हुआ हो, या आपने ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में, फर्स्ट में, सेकेंड में, फाइनल ईयर में आपने मैथ लिया हुआ हो, तभी वो आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। आप इन वाले अगर मास्टर्स करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो एमसीए कोर्स को ही चुनते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ चुके होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा इजी होता है इस कोर्स को समझना या इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज लेना। आपने ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए आपकी। इस कोर्स का लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन है। ये इसकी ड्यूरेशन 2 साल की है। इसमें आप 2 तरीक़ों से एडमिशन ले सकते हैं। पहला आप एंड एग्ज़ाम के थ्रू भी जा सकते हैं, दूसरा आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। अगर फ़ी की बात करो तो इसमें आपकी 45,000 से लेकर 2 लाख तक की इसमें आपकी फ़ी हो सकती है। ये भी डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा कॉलेज लिया है। फिर अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, क्या क्या सब्जेक्ट आप देखेंगे फर्स्ट ईयर में एमसीए में, तो आपका बिजनेस सिस्टम एंड एप्लीकेशन हो गया, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, या डेटा स्ट्रक्चर हो गया विद सी, एंड डेटा कम्युनिकेशन हो गया, या कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, का बिजनेस इंग्लिश हो गया एंड कम्युनिकेशन हो गया। तो ये कुछ कुछ आप सब्जेक्ट देखेंगे। आप मैंने सारे सब्जेक्ट नहीं बताए, कुछ ही बताए हैं। तो ये सब्जेक्ट आप देखेंगे एमसीए के अंदर। एमसीए के अंदर भी आप स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। इसमें आपका सिस्टम डेवलपमेंट हो गया, सिस्टम इंजीनियर हो गया, नेटवर्किंग हो गया, या आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, जैसे MIS बोलते हैं। तो ये कुछ कुछ है जो कि सिस्टम डेवलपमेंट हो गया, तो आप इसके बारे में स्पेशलाइजेशन में आप चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, कि आपने किस में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है आपके किस सब्जेक्ट में। या फिर अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट की, तो जो भी हम एमसीए कोर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हम 4 to 6 months के अंदर हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हम ले लेते हैं। तो 4 लाख से आप 6 लाख तक जा सकता है, और बाकी हाईएस्ट की तो आप आपकी स्किल और आपकी नॉलेज के बेस पर ही डिपेंड होगा। जो आपकी जॉब प्रोफाइल रहेंगी वो आपकी वेब डिज़ाइनिंग हो गई, नेटवर्किंग प्रोफेशन हो गया, आपका वेब डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल होंगी जो आपको IT इंडस्ट्री या टॉप MNC कंपनी में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। सो ये थी कुछ बेसिक सी नॉलेज। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है MCA से रिलेटेड, या BCA, BBA या PhD, MBA से रिलेटेड, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम जान सकते हैं।